हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज मैं यहाँ पर आपके लिए DSSSP जनरल पार्ट, जो कि आपका जनरल सेक्शन होता है, हर एक सब्जेक्ट मतलब कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप भर रहे हैं तो आपके लिए ये जनरल सेक्शन है, ये कॉमन रहेगा। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको ये जनरल सेक्शन को करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जनरल सेक्शन के हर एक एक पार्ट को डिस्कस करूंगी कि आपको कौन सा पार्ट किस यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट करना है, प्लस आपको कौन सा पार्ट किस बुक से पढ़ना है। हर एक एक चीज मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है पर आपकी तैयारी को बहुत बेहतर करेगा अगर आप यहाँ पर इस तरीके से अपनी चीजों को अपनाएंगे तो 70 से 80 नंबर के बीच में आपके लिए स्कोर करना आसान हो जाएगा और चीजें आप इजिली कर पाएंगे। और अगर आप 70 से 80 नंबर के बीच में स्कोर ले आते हैं इस जनरल सेक्शन में, तब जाकर आप कहीं मेरिट में आने के एक आगे एक कदम बढ़ाएंगे। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर डेली आपको #10 का डोज देखने को मिलता है, जो रोज सुबह 10 बजे आपको एक वीडियो मिलता है आपके काम का। और DSSSP की तैयारी हम बेहतर तरीके से अब स्टार्ट कर रहे हैं, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हर एक क्वेश्चन आपको एक नंबर देकर जाता है। पूरा पेपर आपका जनरल सेशन का जो है वो 100 नंबर का होता है और ये 100 नंबर 20-20 नंबर में डिवाइडेड होते हैं। मतलब कि आपका 100 नंबर का टोटल पेपर है जनरल सेशन, इसमें 20-20 नंबर का हर एक सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर बात आती है इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर मैथ्स, फिर रीजनिंग, फिर GK GS। और आपको अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो आपको 70 से 75 से 80 का नंबर जो है वो आपको समझ के चलना है कि आपको इतना स्कोर करना है। और आज के युग में जो अब नया करंट सिनारियो चल रहा है, इसमें बच्चों का, कैंडिडेट्स का आता भी है इतना नंबर, तो इसीलिए ये जनरल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी मेरिट को बनाने के लिए। तो यहाँ पर हर एक एक सब्जेक्ट को मैं डिस्कस कर रही हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, अपने टारगेट तक कैसे पहुंचना है। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए यहाँ पर इंग्लिश की, इंग्लिश आपके 20 नंबर का है। अब इंग्लिश का 20 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश क्या होती है, थोड़ी सी मतलब उतनी अच्छी नहीं होती है, बस उनका काम चल जाता है। तो यहाँ पर अपनी इंग्लिश को अच्छा करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक तरीका बताऊंगी बहुत ही अच्छा सा। आपको एक चैनल पर विजिट करना है, ये सर है तरुण ग्रोवर करके, सर का नाम है तरुण ग्रोवर और शायद इनका चैनल भी इसी के नाम से ही है, ठीक है, तरुण ग्रोवर सर। आपको इनके चैनल पर जाना है, इन सर का टाइप करेंगे आप गूगल पर मतलब यूट्यूब पर तो आपको इनका चैनल मिलेगा। आपको जाना है, एक एक टॉपिक जो भी आपके एग्जाम में आता है आप सर्च करेंगे, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी बेसिक की, पूरी बेसिक इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट है। और आप हर एक मतलब आपने अगर नाउन खोला तो आप नाउन को जैसे ही ओपन करेंगे तो सर का वीडियो आ जाएगा। तो इसमें क्या है, आपको नाउन उनसे पूरा समझना है, दो दो तीन तीन घंटे के पूरे कंप्लीट वीडियोस होते हैं जिसमें कि वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, उनका ये खोलना है, जैसे नाउन का चैप्टर है तो नाउन आपने खोला सर का और आपने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, फिर लास्ट में वो प्रैक्टिस भी क्वेश्चन भी कराते हैं। आप देखो क्या होता है, जब हम एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक को कर रहे हैं, बहुत ध्यान से इस बात को सुना, एक पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट किया, अब उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करें, उस समय वो क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं कि हमें पता है कि इसमें से हमें नाउन को ही छाटना है, नाउन का ही एरर है या नाउन का ही फिल इन द ब्लैंक्स है, हम इसको कर लेंगे। पर जहां पर आपको क्या है, एक मिसलेनियस क्वेश्चन दिया जाता है जहां पर नाउन भी पूछा जा रहा है, प्रोनाउन भी पूछा जा रहा है, एडजेक्टिव भी पूछा जा रहा है, एडवर्ब वर्ब से पूछे जा रहे हैं, वहां पर जो है कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट होता है। तो आपका काम क्या है कि सर के वीडियो से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो तरुण और सर का जो चैनल है इसमें कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे बिल्ड हो जाएंगे। यहाँ से आपने क्या कर लिया, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, ठीक है, हर एक एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, नीतू मैम की जो बुक है इंग्लिश की, तो नीतू मैम की ये पहला काम हो गया तरुण ग्रोवर सर का देखना। दूसरा काम हो गया आपका नीतू मैम की जो बुक है इंग्लिश वाली प्रैक्टिस बुक, इस प्रैक्टिस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। थर्ड काम क्या हो गया, थर्ड काम आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक जो ऐप है इसमें आपको जाना है और डेली के
टारगेट को सेट करना है कि मुझे एक से दो से तीन पेपर, मतलब तीन पेपर मतलब 10 मिनट का होता है, जैसे एक सेट है 10 क्वेश्चन है तो 10 मिनट है, 15 क्वेश्चन है 15 मिनट है, तो अब इतना टाइम तो लगाना नहीं है इंग्लिश में। तो क्या है मतलब कि 10 से 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन, मतलब समझ लो कि आप इसमें तीन सेट को आप इसमें डेली सॉल्व करोगे, ठीक है। तो पहला काम तरुण सर का वीडियो देखना जिससे एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, फिर नीतू मैम की बुक से प्रैक्टिस करना, फिर जाकर टेक्स्ट बुक ऐप पे जाकर इस इतने क्वेश्चंस को करना। तो ये तीन काम आप अगर कर लेंगे इंग्लिश में, टाइम बहुत है अभी, एग्जाम आपका फरवरी मार्च में होगा, टाइम आपके पास बहुत ज्यादा एम्पल ऑफ टाइम है, आप इस तरीके से अपने 15 से 20 टॉपिक्स जो भी इंग्लिश के हैं इस तरीके से तैयार करेंगे। अब बात आती है idiom phrases वाली, ये कहाँ से तैयार हो, vocabulary कहाँ से करें, तो नीतू मैम की जो बुक है उससे आप vocabulary को प्रिपेयर करेंगे। एक दिन में टारगेट रखेंगे कि मुझे 2 पेज की vocabularies को सिर्फ सरसरी निगाह से 2-3 बार देख लेना है, अगले दिन फिर दूसरे दो पेज और आगे बढ़ना है, पिछला रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो इस तरीके से आपकी इंग्लिश यहाँ पर प्रिपेयर होगी 20 नंबर की। आपने इस तरीके से करा तो आपका कहीं भी 18 से 19 नंबर नहीं गया, आप इजीली स्कोर कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं क्या हिंदी की, आपको हिंदी किस तरीके से तैयार करनी है। जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है वो कर ले जाते हैं, और जिनकी हिंदी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, जैसे इंग्लिश वाला हाल जो हो जाता है, तो क्या करना है आपको, हिंदी को छोड़ना नहीं है। कई लोग क्या सोचते हैं कि हिंदी हो जाएगी, अरे यही तो करना है, संज्ञा सर्वनामी तो खोजना है, उपसर्ग प्रत्यय ही जो लगाना है हो जाए, पर नहीं होता है। लास्ट में जब क्वेश्चंस को देखते हैं तब आ जाती है मजे, मुहावरे कोई आ गया, लोकोक्ति कोई आ गई, आ जाते हैं मजे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक है, तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक से आपको हिंदी प्रिपेयर करना है, और साथ ही साथ जितने भी अभी तक PYQs आए हैं, ठीक है, जितने भी अभी तक PYQs आए हैं, ये इंग्लिश के लिए भी है, जितने भी अभी तक PYQs आए हैं DSSSB में, वो सारे PYQs आपको साथ साथ सॉल्व करते रहना है, जिससे कि ये समझ में आए कि आपका ये पोर्शन कवर हुआ भी कि नहीं, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें जो मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, तो इसके लिए कोई अगर NCERT की हिंदी की बुक मिल जाए आपको 8th, 9th, 10th वाली, उसमें आपको ग्रामर सेक्शन में ये वाले पोर्शन जो है वो इजीली मिल जाते हैं, और जो सारे जो टर्म्स हैं, जो आपके मुहावरे लोकोक्तियां हैं, वो यहीं से रिपीट होकर भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी के लिए आपका एक हो गया, NCERT के लिए NCERT आपको थोड़ा सा प्रिफर करना है, तो NCERT में देखो स्मार्टली स्टडी करना, ऐसा नहीं डीपली NCERT लेके बैठ गए। NCERT देखी, NCERT में जो हमको लगा कि हाँ ये हमारे काम की चीज है उसको टिक किया और उसको नोट डाउन कर लिया कहीं पे, और वो हमारी नेक्स्ट जो हम रिवाइज करेंगे तो हमारे लिए हमको इजी पड़ेगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं मैथ। मैथ भी बहुत बड़ा हुआ होता है सबके लिए, और क्या है टाइम टेकिंग बहुत होता है। DSSSB एग्जाम को क्लियर करने का बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका प्रॉपर है तो आप इस पेपर को निकाल ले जाते हैं, क्योंकि जैसे ही टाइम बढ़ने लगता है आगे प्रेशर क्रिएट होता है, और आगे आने वाले क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो भी गलत होना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैथ्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा टाइम को सेव करने के लिए, और मैथ्स में आप टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस एक क्वेश्चन की कर लेंगे, एक टाइप के क्वेश्चन की, तो आपको पता होगा कि अब ये इसका जो डिजिट दिए हुए हैं, डिजिट को देखते ही मुझे क्या दिमाग में आना चाहिए, कैसे मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चलना चाहिए, वो वाला काम आपको करना है। तो मैथ के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगी, अगर आप थोड़े भी मतलब मैथ्स के लिए डर रहे हैं, तो गगन सर का आपको चैनल जाना है, विजिट करना है। इनके चैनल पर सिंपल से एडवांस लेवल के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आपको इनके चैनल के जितने भी वीडियोस हैं, आप एक एक टॉपिक परसेंटेज उठाइए, परसेंटेज को स्टार्ट करना लगाना स्टार्ट कर दीजिए, परसेंटेज को लगाते लगाते इन्होंने इतने क्वेश्चंस करा दिए हैं, इतने क्वेश्चंस कराए हुए हैं कि आपकी वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी उसी उन्हीं क्वेश्चन से। पहले आप समझेंगे, फिर आप उन्हीं क्वेश्चन को पास पास खुद से कर भी देखेंगे, प्लस आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ पर लेंगे RS अग्रवाल की बुक। RS अग्रवाल की बुक से आप क्या करेंगे, इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्लस अगर आपको RS अग्रवाल नहीं लेनी है तो आप SSC की कोई PYQ वाली किताब भी आप ले सकते हैं, क्योंकि SSC के लेवल के ही PYQs आपको यहाँ पर पूछे, मतलब जो SSC के PYQ है वैसे ही आपके क्वेश्चन DSSSB बनाता है। तो यहाँ पर चीजें आपको SSC से भी काफी चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए मदद आपको देंगी, बहुत हेल्प करेंगे SSC के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको गगन सर का वीडियो देखना है, आपने वीडियो से समझा चीजें, और फिर क्या किया आपने,
अपना आर एस अग्रवाल सॉल्व कर ली, नहीं करा उस पर्टिकुलर टॉपिक को आर एस अग्रवाल सॉल्व, तो एसएससी के बीवाईक्यू से उस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को कर लिए, तो आपके यहाँ से मैथ प्रिपेयर हो जाएगी। प्लस आपको आप खुद को टेस्ट करना है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आपका परसेंटेज प्रिपेयर हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर हो गया, फिर आपका मान लो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिपेयर हो गया, ये चार पांच टॉपिक प्रिपेयर हो गए। अब आपने देखा कि अब आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना है, कितना हमें से याद है, कितने मुझे तो ट्रिक से मुझे याद है कि नहीं याद है। तब आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक पे वापस से जाना है और टेक्स्ट बुक पर एक जनरल पार्ट मतलब जनरल पेपर जो मतलब की हो गया जिसमें के सारे क्वेश्चन मिक्स आपको देखने को मिलेंगे, उसका कोई एक सेक्शन खोलना है, चाहे SSC का, चाहे SSC का, चाहे किसी भी एग्जाम का। अब आपको उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप देखना है कि कितने टाइम में आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक और हेल्प लेनी है टेक्स्ट बुक की। तो आपका यहाँ पर क्या क्या हो गया, गगन सर का वीडियो हो गया, फिर आपका आर एस अग्रवाल हो गई, फिर SSC के PYQs हो गए, टेक्स्ट बुक हो गया, और प्लस इस ये सब करते करते आपको साथ में ये चीज को कभी नहीं छोड़ना है कि आप DSSSB के PYQs छोड़ रहे हैं। DSSSB के PYQs को तो घोट कर पी लेना है एकदम, इतनी बार आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि जैसे ही अगर मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन आया कोई DSSSB जो पहले पूछा था वो आपको इतना घुटा हुआ होना चाहिए कि आपने फटाफट दिमाग में ऐसे चार्ट बनाया, क्वेश्चन मार्क लगाया और नीचे आंसर लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से इस लेवल का हो जाना चाहिए। रीजनिंग के लिए देखो, रीजनिंग में स्कोर करना बहुत आसान है, और रीजनिंग क्या है, बहुत ज्यादा मेरिट भी ऊपर करता है, क्योंकि 20 में से लोगों के 20 ही नंबर आते हैं रीजनिंग में, 19 नंबर आते हैं, तो रीजनिंग को छोड़ना नहीं है। तो रीजनिंग के लिए आपको किरण पब्लिकेशन की किताब है, इससे आपको प्रैक्टिस करनी है, प्लस आपको यहाँ पर PYQs देखने हैं। जितने भी PYQs अभी तक आए हैं, SSC के PYQs हो गए या DSSSB के PYQs हो गए, इसको आपको देखना है, बस किरण पब्लिकेशन की बुक से भी आपको रेफर करना है, तो यहाँ से आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी हर एक एक सेक्शन से। लगभग आप ही समझ लो, आपको अगर कम समय देना है तो 50 क्वेश्चन तो हर एक एक टॉपिक से करने ही करने हैं। हर एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, हर एक एक पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी आपने पढ़ा उससे 50 क्वेश्चंस आपको करना ही करना है, और एक टॉपिक को आपको 2 से 3 दिन देना है आपके कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ आपके PYQs प्लस आपके कितना भी जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सब आपके 2 से 3 दिन में हो जाना चाहिए। इस तरीके से अपने को स्लॉट को आपको सेट करना है। अब बात आ जाती है GK DS, ये बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है 20 नंबर पर इसमें आती बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। अब आपको स्मार्टली कैसे पढ़ना है, देखो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो आप साइंस छोड़ दो इस सेक्शन में, ठीक है। अगर आप सोशल बैकग्राउंड के हो आप सोशल छोड़, क्योंकि वो चीज आपकी प्रिपेयर है, ठीक है, वो चीज आपकी प्रिपेयर है। अब जो अगर आप जिस बैकग्राउंड के नहीं हो, अब आप बाकी चीजें कैसे प्रिपेयर, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आप अपना तैयारी स्टार्ट करोगे पॉलिटी से, ठीक है। अब पॉलिटी आप कहाँ से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, ठीक है, पॉलिटी से स्टार्ट करोगे तो पॉलिटी आप कहाँ से कैसे पढ़ोगे, आप क्या करो, जैसे संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मेजर क्वेश्चंस आते हैं, आर्टिकल्स है, शेड्यूल्स है, आते हैं क्वेश्चन, तो ये जो पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स हैं आपको सबसे पहले क्या करना है, GK GS वाले पोर्शन की मैं बात कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, सिलेबस बहुत वास्ट है, अब इसमें कैसे स्मार्टली पढ़ना है तो उस चीज को देखना है। यहाँ पर सबसे पहले आप इसमें देखेंगे PYQ। अब PYQ को एनालाइज करते हुए आप ये एनालिसिस करेंगे अपने PYQs का। मैं तो ये बोलूंगी कि जो प्रिंटआउट निकाल कर रखो, जैसे कि पलटते पलटते ऐसी हालत हो जाएगी कि वो लास्ट में फट जाए, इतना पढ़ लो पलट लो उनको। तो PYQs देखो, PYQs से देखो कि पॉलिटी के क्वेश्चन किस सेक्शन से ज्यादा आ रहे हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो PYQs मतलब जो बार बार DSSB पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको PYQ को एनालाइज करना है, और जैसे ही आप PYQ को एनालाइज कर लेंगे फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट करना है उन टॉपिक्स को पहले जो कि आपके पूछे गए हैं पिछली बार बहुत बार, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर नेक्स्ट देखना है ज्योग्राफी को, ठीक है, ज्योग्राफी से भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, मेन मेन सिद्धांतस हो गए, आपके डांस हो गए, सब पूछे जाते हैं, तो ये सब चीजें आपको करना है। इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा ज्योग्राफी के सेक्शन में परचम क्लासेस की मैम ने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं, और इनको आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने याद भी कराई हैं, तो ये यूट्यूब चैनल है इनका, आप इनको जाकर रेफर कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए, या आपको कोई वन शॉट वीडियो मिल जाए जिसमें कि 6 से 7 घंटे पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी बता दी हो,
आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो आपका पॉलिटी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, ये मेजर सब्जेक्ट हो गए। साइंस के लिए देखो कोई ऐसा वीडियो देखो जिसमें कि कंप्लीट साइंस आपको मिल जाए, कंप्लीट साइंस एक बार आपकी रिवाइज हो जाए पूरी क्लास 10 तक की, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको कोई भी सोर्स ऐसा दिख रहा हो जहां पर वन शॉट आपकी कंप्लीट साइंस प्रिपेयर हो जाए, कोई एक ऐसा वीडियो खोजो जिसमें वन शॉट वीडियो हो और वन शॉट वीडियो में कंप्लीट साइंस आपके तैयार हो जाए, ठीक है। अगर खोज पाओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको इसी वीडियो के नीचे भी साइंस के वन शॉट वीडियो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ऐसा मिल जाएगा। अगर आपको देखना है तो आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं उसमें, वो आपकी मर्जी है। नहीं तो आप कहीं से भी वन शॉट वीडियो से क्या रहता है, हमारा टॉपिक एक साथ स्टार्ट हुआ, फिर हमने जहां तक छोड़ा उसके बाद अगला स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हम उसको वापस से रिज्यूम करेंगे उस वीडियो को, तो उससे इजी होता है हमको चीजों को अच्छे से रिकॉल करने में, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आपकी साइंस प्रिपेयर हो गई। देखो अब यहाँ पर करंट अफेयर्स आता है, ठीक है, जीके जीएस में करंट अफेयर्स भी आता है, तो इसमें बहुत ज्यादा ना दिमाग मत लगाना, क्योंकि करंट अफेयर्स में ऐसी चीजें होती है ना जो कि बहुत वास्ट होती है। मेन चीजें आपको पढ़नी है करंट अफेयर्स में, मेन चीजें क्या क्या होंगी, सबसे पहला आप यहाँ देखेंगे अवार्ड एंड ऑनर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। दूसरा आप देखेंगे किसी भी मतलब जो आपका गेम से रिलेटेड, जो आप जितने भी आपके गेम से रिलेटेड क्या हो गए आपके करंट अफेयर्स। तीसरा आपको देखना है इसमें नए अपॉइंटमेंट जो भी हुए हैं, ठीक है, ये मेन आप यहाँ पर देखेंगे। और चौथा हो गया आपकी बुक्स, जो नई बुक्स लॉन्च किसी ने की है, लिखी है, राइटर है, तो इनके बारे में यहाँ पर ये मेन मेजर, बहुत ज्यादा नहीं घुसना करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स बहुत बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे और अपनी डेली प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, चाहे किसी बुक से जो मैंने बुक्स बताई हो या टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा एक सोर्स है जिसमें कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत देता है और उस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके डेली अपने टेस्ट को बनाते हैं, तो डेली अपने टेस्ट बनाते हैं तो आप उसको सॉल्व करते रहिए, बैठे रहिए, कहीं से बात कर रहे हैं अपना सॉल्व कर रहे हैं, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं अपना सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे इधर उधर घूम रहे हैं अपना सॉल्व कर रहे हैं, तो मतलब अपनी चीजों को करते रहिए। साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा जिसमें कि मैं साइंस के कंप्लीट 100 मार्क्स की स्ट्रैटेजी आपको बताने वाली हूँ, पूरा सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, प्लस किस तरीके से मैं आपके लिए आपके साथ आपकी तैयारी करवाऊंगी, और हर कुछ हर चीज आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट विथ PDF आपको हैंड रिटन नोट सब कुछ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और इस तरीके से करेंगे तो आपका आराम से यहाँ पर मैं आपको गारंटी देती हूँ तो 70-80% जो नंबर है उसके बीच में आपका इजिली आप स्कोर कर पाएंगे। पर आपको अपनी प्रैक्टिस को डेली रखना पड़ेगा, 4-5 महीने अपने आप को एकदम गायब कर देना है दुनिया से और पढ़ते रहना है। टिल देन थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।